स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल एनजी में, जहां हम सैर करेंगे अलग अलग जगहों की। हमारे हौसला के सफर को जारी रखते हुए हम जाएंगे डोडागड्डावल्ली के लक्ष्मी मंदिर में। मैंने हौसला भाग एक और भाग दो के वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं। आपने वो देखे नहीं है तो जरूर देखे। भाग एक में मैंने हौसलेश्वर मंदिर के बारे में जानकारी दी है और भाग दो में चन्नकेश्वर मंदिर के बारे में जानकारी दी है। हसन डिस्ट्रिक्ट में डोडागड्डावल्ली ये एक छोटा गांव है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी मंदिर ये हौसला का पहला मंदिर है। यह मंदिर हसन सिटी से 16 किलोमीटर दूर है। हसन बेलूर हाईवे पे है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ मंदिर के अंदर चार गर्भगृह हैं। इसको चतुष्कुटा निर्माण कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इस मंदिर में काली माता की प्रसन्न मुद्रा मूर्ति है, महालक्ष्मी माता की मूर्ति है, भगवान शिव का लिंग है और भगवान विष्णु की मूर्ति है। मंदिर के अंदर छत पर सब दिशाओं की देवी देवताओं के शिल्प है और बीच में तांडवेश्वर मतलब भगवान शिव का तांडव करते हुए शिल्प है। यहां मां काली के गर्भगृह के बाहर दो बेताल की बड़ी मूर्तियां हैं। अब मैं आपको यहाँ और क्या क्या देख सकते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हसन सिटी के आसपास देखने के लिए और बहुत मंदिर है। आप श्रावणा बेलागोला देखने जा सकते हैं। यहाँ मुख्य आकर्षण है गोमतेश्वरा की भव्य मूर्ति जो विंध्यगिरी पे है। ये मूर्ति 59 फीट की है और वो इतनी ऊंची है कि 20 किलोमीटर दूर से भी दिखती है। इसी को बाहुबली मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हसन सिटी के नजदीक आप यागाची डैम देखने जा सकते हैं और यागाची डैम से 1 किलोमीटर की दूरी पर यागाची वाटर एडवेंचर पार्क भी है, जहां आप वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपने हमारे हौसला सफर का आनंद लिया हो और यह आपको पसंद आया हो। अगर हाँ तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही और भी अच्छी जगहों के बारे में जानकारी लेके मैं फिर मिलूंगी। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।